कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर ज़ेरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। तो आज का दिन वीकली एक्सपायरी का दिन था और इस हफ्ते के दौरान हमने बाजार का जो रेंज देखा, निफ्टी बैंक उसके बिल्कुल बीच में आपको एक्सपायरी के दिन फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी कुछ हद तक अपर एंड पे, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा हल्का होकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो बाजार के लिए कुल मिलाकर आज का दिन इंडेक्स के नजरिए से देखिए तो आपको मिला जुला सा दिखाई देगा, लेकिन आप नजर डालिए उन स्टॉक्स पे जिनकी हमने लगातार बात की और उनमें किस तरह के रिटर्न आपने कमाए। हमारी एक्सक्लूसिव खबर का फायदा आप देख सकते हैं IFB एग्रो पे, हमारी एक्सक्लूसिव खबर का फायदा आप देख सकते हैं वाटर बेस लिमिटेड पे और इन तमाम श्रिम्प कंपनीज के स्टॉक्स पे, एपेक्स फ्रोजन पे नजर डालिए जहां पे आपने बहुत ही शानदार कमाई होते हुए देखी। नजर डालिए रेलवे स्टॉक्स पे, IRCTC, इरकॉन, राइट्स, इन तमाम शेयरों ने बहुत ही जबरदस्त कमाई की और ये पूरी कमाई स्क्रीन पे हमने आपको जो ब्रेकआउट्स पकड़ के बताए उसके बाद देखने को मिली। मिर्जा इंटरनेशनल शानदार नतीजे के बाद बहुत ही तगड़ी कमाई करता हुआ दिखाई दिया और एक और नया सेक्टर जिसकी हमने आज बात करनी शुरू की और देखिए आपने क्या रफ्तार पाई है स्टार पेपर में, ओरिएंट पेपर में, तो ये एक और सेक्टर जो अब तेजी के दौर में शामिल होता हुआ। अगर आप सही स्टॉक सही लेवल पे सही वक्त पे पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ तो आपके लिए मुनाफा कमाने के ढेरों मौके हैं। दरअसल इस समय शैल जी इंडेक्स देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। प्रदीप जी, आपको मिड कैप्स में शानदार रैली आती हुई दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 रेलवे स्टॉक्स देखिए। IRCTC पर आपने एक रिकॉर्ड सत्र देखा, लगभग 11% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ 1580 रुपए के आसपास। साथ ही साथ इरकॉन में आपने एक रिकॉर्ड हाई देखा लगभग 534 रुपए का और उसके बाद आपने राइट्स को चलते हुए देखा। तो ये 3 रेलवे से संबंधित कंपनीज हैं जहां पर अंडर वैल्यूएशन कहिए या अंडर ओनरशिप कहिए या लैक ऑफ ट्रेड्स कहिए, दूसरी जगह आपको शानदार रैली आती हुई दिख रही है। राइट्स पर आप नजर रखें, आपने दोनों इरकॉन और IRCTC पर शानदार एक क्लोज देखा है और अगर पेंट अप डिमांड आपको राइट्स पर आती हुई दिखी है, लगभग 22 लाख शेयर इसमें ट्रेड होते हुए दिखे हैं, तो आपको शायद इसमें एक अप ट्रेंड कल भी आता हुआ दिखे। पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, आय बढ़कर लगभग हो गई है 795 करोड़ के आसपास, पिछला आंकड़ा था 740। एबिटा बढ़कर लगभग 140 करोड़ हुई है, अनुमान जो था वो लगभग 175 करोड़ और स्टॉक लगभग आपको 1% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे हुए। कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने बहुत शानदार रैली देखी, एफएल इंडिया रिकॉर्ड लेवल पर बंद होता हुआ देखा 2007 के आसपास। इसी तरीके से अन्य कई ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपने शानदार मुनाफा वसूली भी देखी और एक लॉन्ग बिल्डअप भी होता हुआ आपको दिख ही रहा है। हमारे साथ यतीन जी जुड़े हुए हैं, वो एक दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहां पर आप कल के सत्र के लिए पोजीशन ले सकते हैं। यतीन जी, तो शैलेंद्र जी, हमने बात करी थी डीलिंग रूम से, तो हमको ये रुझान आया कि मदरसन सुमी पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। आज हमने देखा कि फ्यूचर सेगमेंट में भी काफी अच्छी शॉर्ट पोजीशन बनी है, लेकिन इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 200 DMA वो करीब 123 रुपए है और स्टॉक 125 पे ट्रेड कर रहा है, वहां थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि 123 के नीचे स्टॉक में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मदरसन सुमी पे डीलिंग रूम्स की राय यह है। इसके अलावा अगर आप कैश सेगमेंट में देखें तो नीलकमल पे भी खरीदारी करने के मौके हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में CSE हमने देखा है, बहुत दिनों बाद यहाँ 20 DMA के ऊपर अच्छा मोमेंटम आया है। फ्यूचर सेगमेंट में हमने देखा है कि अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो नीलकमल और CSE ये दोनों शेयरों में पोजिशनल खरीदारी करने के मौके डीलिंग रूम्स देख रहे हैं। चलिए, CSE की तो एक खास बात ये है यतिन जी, जितनी भी मेजर आपको DMAs दिखेंगी ये स्टॉक उनके नीचे ट्रेड कर रहा है और 726 का क्लोजिंग है इसमें और इंट्राडे हाई लगभग 745 रुपए का, आपने 747 रुपए का आज CSE में देखा। ओवरऑल 840 रुपए का इसमें हाई है, तो आप देखिए कि काफ़ी अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है अगर यहाँ से आप कल लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहें। नीलकमल, जैसा कि बड़ी लंबी चर्चा हुई बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और वो मेरे ख्याल से जो प्राइसिंग है जब आपने स्टॉक डिस्कस किया था
उसके ऊपर ही बंद हुआ है। जी हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 15-17 रुपए ऊपर बंद हुआ है। हम लोग 1422 के आसपास डिस्कस कर रहे थे और आज फिलहाल 2.2% ऊपर बंद होता हुआ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिविजुअल सेक्टर्स डिस्कस करेंगे। बात होगी फार्मा सेक्टर की, जहां पर आपने एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। शुरू करेंगे टोरेंट फार्मा से, जहां पर आपने एक रिकॉर्ड लेवल देखा। स्टॉक लगभग 2081 रुपए के आसपास बंद हुआ कैश मार्केट्स में, और ये एक ब्लू स्काई टेरिटरी है जहां पर आपको शानदार रैली आती हुई देखी। 6.25 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं और 3.5% का मुनाफा आपने इस स्टॉक में कमाया आज के सत्र में। 2-3 लॉन्ग कॉल्स फिलहाल टोरेंट फार्मा पर भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर डालिए। नवंबर 2016 का हाई आपके सामने लगता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में शानदार रैली और तीसरे दिन लगातार आपने तेजी डॉक्टर रेड्डीज में आपको आती हुई दिखी। अन्य कई ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में जहां पर आपको एक शानदार कमाई का मौका आज मिला, और यही ट्रेड्स कल के सत्र के लिए भी सुझाए जा रहे हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार कमाई आपने इस पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में आ जाते हुए देखी है, और एक सेक्टर रोटेशन आपको होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आज हमने बाजार में उतार चढ़ाव देखे, उसके बीच एक बहुत ही स्ट्रांग प्ले आपको एसबीआई के तौर पे बैंकिंग में दिखाई दिया। निफ्टी बैंक में जब करेक्शन आ रहा था, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप देखें आज लोग क्या किस तरह की बातें सुबह से कर रहे हैं कि आपको आईआईपी का आंकड़ा दिखा जो निराश करने वाला है, आपने सीपीआई देखा जो रिकॉर्ड लेवल पर आ गया। मेरा ये हंच है और काफी सारे लोगों से जो मैंने पूछा इकोनॉमिस्ट से, उनको भी लगता है कि ये मुमकिन है। ये जो आंकड़ा आपने सीपीआई का देख लिया वो टॉप है 7.6, अब 2020 में फिर नहीं दिखेगा आपको, तो आप यहां से इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी महंगाई। तो ये अब आप पीछे की बात हो गई, आगे इन्फ्लेशन घटने वाली है। और जो आईआईपी कमजोर दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि भाई अभी भी ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ ना हो, डिमांड ना हो और महंगाई ऊपर बनी रहे। ये स्टैटिस्टिकल एवरेशन से ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको आपको आगे देखना चाहिए। निफ्टी बैंक में मुझे लगता है अगर यहां से आपको कल 100-200 पॉइंट नीचे भी मिले तो आपको लॉन्ग ही करना चाहिए। अगले हफ्ते LTRO आएगा जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए बैंक्स को मिलने वाले हैं 5.15% पे, और हम आपको याद होगा उस दिन जब हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक के CRR एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं वो तो अपनी जगह पे है। ये 1,00,000 करोड़ रुपया RBI दे रहा है एक साल के लिए, तो एक तरीके से आप अपने एक साल के FD को रिप्लेस कर सकते हैं इस LTRO से, जहां आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे और उसके सामने ये पैसे लेंगे। तो इस रेट पर बैंक्स की फंडिंग कॉस्ट में 1% के करीब या उससे ज्यादा की भी कुछ मामलों में कमी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी जब आने वाली है तब आपको कोई IIP कोई CPI देख के बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और जो होशियार निवेशक हैं वो हैं FIIs। अब देखिए पिछले 3-4 दिनों से कैश मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन जो नेट होती है 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, कभी बायर कभी सेलर, लेकिन डेट में वो पॉलिसी के बाद से लगातार पैसे लगा रहे हैं। तो FII इस समय बुलिश है कि हमारी यील्ड गिरने वाली है RBI की इन तमाम कोशिशों से। ऐसे में आपको ये निफ्टी बैंक में जो गिरावट है वो बहुत ही जल्दी रिवर्स होती हुई दिखेगी। और जैसे हम SBI की बात कर रहे थे, वो तो कार्ड के प्रीमियम की चर्चाओं पे चल रहा है, अजीत भाई आपने भी सुना होगा, बिल्कुल तगड़ा प्रीमियम बात, तगड़ा प्रीमियम तो है ही प्रदीप। मेरी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात हुई थी उसके अंदर आकलन ये लगाया जा रहा था कि SBI कार्ड्स का जो IPO आएगा वो करीब आएगा 65,000 करोड़ से 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। आज की तारीख में कार्लाइल और SBI ये दो निवेशक हैं SBI कार्ड्स में। तो अगर आप SBI कार्ड्स की लिस्टिंग कहें और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से 1,00,000 करोड़ की लिस्टिंग होनी चाहिए, और अगर SBI के पास 70% हिस्सेदारी है तो करीब 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन तो सिर्फ SBI कार्ड्स के शेयर्स की हुई। क्या बात है, इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। देश के सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2,000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।